मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, यह कहना है पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का। भाजपा की शिवराज सिंह सरकार के रहते ही 2013 में मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापन, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, इसका पूरा खुलासा 2012 में डॉक्टर जगदीश सागर के पकड़े जाने के बाद ही हुआ था। व्यापन घोटाले के अपराधियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापन में लगभग 3000 करोड़ रुपए का महाघोटाला भ्रष्टाचार किया है, जिसका भोपाल में मुख्यमंत्री निवास तक तार जुड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूरी तरह से फेलियर मुख्यमंत्री हैं। दोनों बार इनके ही मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए व्यापन का महाघोटाला हुआ है, जिसमें अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और हजारों गरीब योग्य छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। व्यापन घोटाले से संबंधित 50 से अधिक लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक मिनट भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रहा है। थोड़ी सी भी नैतिकता व ईमानदारी बची हो तो तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा तुरंत लोकहित में बर्खास्त कर पद से हटा देना चाहिए तथा संपूर्ण व्यापार महाघोटाले भ्रष्टाचार की बटप अथवा छप से अति शीघ्र जांच कराई जानी चाहिए। फालतू घोटाला हुआ है। विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी, इन लोगों की परीक्षा आयोजित की गई। इसमें जो परीक्षा में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, जानबूझ के उसे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनको गड़बड़ करना था, घोटाले करना था, भ्रष्टाचार करना था। और उसमें ग्वालियर के कॉलेज है राजकीय कृषि महाविद्यालय, ये जो 10th टॉपर जो हैं वो उसी एक कॉलेज में पढ़े हुए हैं, और ये 10 लोग जो है 10th टॉपर में, ये 10 लोग जो है मुरैना के रहने वाले, मुरैना जिला के, एक ही जिले के रहने वाले हैं, एक ही पता उनका है जिले का, और एक कॉलेज से है। 8 साल में ये लोगों ने बीएससी की मुश्किल से, और 4 साल तो फेल हो गए हैं, और फिर भी उनको टॉपर कैसे हो सकते हैं? एक जो विद्यार्थी गणित में उसने 100% लिया है, ये असंभव है। दूसरी बात, दूसरों को जो मार्क मिले हैं वो 195, 194 ऐसे मार्क मिले हैं, तो अभी तक किसी को भी इतने अंक मिले नहीं है। ये बहुत बड़ा गंभीर घोटाला है, और इसमें ये जांच का विषय नहीं है, सिर्फ जांच की स्टेट का गवर्नमेंट का जांच करनी है, सीबीआई से जांच होना चाहिए, एनआईए से जांच होना चाहिए इसकी। शिवराज सिंह सरकार का इसमें बराबर संरक्षण है, और मुख्यमंत्री निवास तक के तार इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यह है। पहले भी इसमें पार्ट वन में जो है 2013 में जब खुलासा हुआ था, 9 में खुलासा हुआ, फिर 13 साल ज्यादा सामने में आया, तब भी करीब 3000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये एक बहुत बड़ा धंधा बनाया, बहुत बड़ा व्यापार बनाया इसको, और उसमें गिरफ्तारियां हुई, और शिक्षा मंत्री भी गिरफ्तार होकर गए जेल में, गए लक्ष्मीकांत शर्मा, दिवस ये आपका शिवराज सिंह चौहान पे भी बातें आई थी, बातें उठी थी, उनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल थे, गुलाब सिंह किरार जो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रिश्तेदार है, जिनका बेटा है शक्ति सिंह किरार, उसको भी उन्होंने मदद पहुंचाई इसमें। तो ऐसे इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार लोग, मुख्यमंत्री के सब इसमें संलिप्त है, मुख्यमंत्री खुद संलिप्त है इसमें। ऐसी हालत में अगर मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिए तो जांच का कोई मतलब नहीं है। जांच होना चाहिए सीबीआई थी, जांच होना चाहिए एनआईए थी, उससे कुछ मतलब निकलेगा? प्रदेश के जो योग्य जो योग जो है विद्यार्थी या योग जो लोग हैं उनको सबको मारना, उनके भविष्य को बर्बाद करना, और जो अयोग्य लोग हैं वो हेरा फेरी करके अंग से बदल के पैसा दे, एक एक सेट के लिए उन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए दिए हैं एक एक विद्यार्थी ने, जिनको फायदा पहुंचाना है। तो वो तो डॉक्टर बनेंगे ऐसे लोग, इंजीनियर बनेंगे ऐसे लोग, तो ये तो बहुत ही घटिया हो जाता है, डॉक्टर बनेंगे, और कई इंजीनियर जो है उसमें ऐसे काम करेंगे पुल गिर जाएगा, टैम फूट जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, इंजीनियर बनेगा और डॉक्टर बनेंगे तो लोगों की मौत हो जाएगी, ऐसे लोगों को क्यों डॉक्टर बनाया जा रहा है? इसके सब जांच होना चाहिए पूरी इसकी, और इसको जांच करके उनकी विधानसभा भी चल रही है, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है बजट का, लेकिन विपक्ष में जो बैठी हुई कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है अभी तक इस पर कुछ बात नहीं कर रही है। अरे विधानसभा को ठप कर देना था,
हंगामा जाना था, शायद उधर जाना था। इसका मतलब है कि ये भी पार्टी जो है कांग्रेस की, उनसे सेट है, मिलजुली है। क्योंकि कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी 2018 में, तो हम इसको जांच करके इसके अपराधियों को जेल में भेजेंगे। अभी तक एक भी अपराधी जेल नहीं गया, उन्होंने कोई जांच भी नहीं की। गवर्नमेंट आए ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब है ये लोग देश में कहीं ना कहीं से शामिल हैं, मिले हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों को गुमराह करते हैं, मध्यप्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तुम ये करेंगे, वो क्यों नहीं किया हमारी सरकार बनी? जब उनके हाथ में पावर था, 16 महीने पावर में रहे हैं, एक महीने का काम है कुल मिला के, एक महीने में जांच करके अपराधी जो है जेल में जा सकते थे, एक महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात नहीं इसके अंदर जांच करना, एक महीने में जांच हो जाती है। पहले से उसको मामला लगा था, उसने जांच नहीं की, इनका संरक्षण मिल गया प्रतिपक्ष का, विरोध विपक्षियों का, तो उन्होंने दूसरा घोटाला कर दिया पालतू। 2021 में दूसरा घोटाला पालतू करे है। ये कैसे हो रहा है? ये बहुत गंभीर मामला है। इसको लेकर के अगर हमें कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट में भी जाएंगे, भोपाल में किसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे हम? हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इससे लेकर लोगों के भविष्य लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जब गरीब बच्चे तो बेचारे पैसे दे नहीं सकते, वो मेहनत करके पढ़ते हैं, उनको परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले लोग बैठते हैं इसमें, जो 60 लाख दे सकता है, 50 लाख दे सकता है, वो लोग बैठते हैं। तो इसलिए शिवराज सिंह को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना। जरा भी नैतिकता है, जरा भी शर्म है, जरा भी ईमानदारी बची है, तो तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए स्वयं। तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हो? इस्तीफा की मांग कर रहे थे विपक्ष को, क्यों नहीं मांग कर रहे हो? गोल मोल घुमा फिरा के बाद मेल मिला के सेटिंग कर रहे हैं। दोनों टाइम पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, 2013 में भी और अभी भी, और उनके मुख्यमंत्री काल में ही रहते हुए ये हुआ है घोटाला और ये सामने आया है। ये बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री है, ये बिल्कुल निकम्मे मुख्यमंत्री है और भ्रष्टाचार में संलिप्त मुख्यमंत्री है। इनके रहते पूरा प्रदेश जो है असुरक्षित है पूरा। तुरंत हटाना चाहिए इनको। अगर बीजेपी का बहुमत है तो उनको हटा के दूसरे किसी को बना देना मुख्यमंत्री। क्यों उनको लेकर रखा हुआ है? इसलिए कि ये पैसे घोटाला कर रहे हैं। आरएसएस इसके साथ में है, निगरदार साथ में है, मंत्री इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि पैसा पार्टी को पहुंचा रहा है, घोटाला हो रहा है, पार्टी फंड जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसको बैठा के रखा है। ये बहुत गंभीर मामला है अपने आप में। विधानसभा का बजट चल रहा है, विधानसभा में कोई आवाज ही नहीं हो रही इसकी। अब सोचिए जरा, जनता इसको समझा मतलब इसकी क्या मनमानी हो रही है? खुलेआम दोनों एक ही है, दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। दोनों का मामला इसमें है, क्यों नहीं किया? हाँ सरकार नहीं बनी होती तो हम मानते कि सरकार नहीं बनी थी, आपकी देश की कुछ नहीं कर पाया। सरकार बनने के बाद नहीं कर पाया, एक महीने में पूरा साफ हो जाता, लोगों को राहत मिलती, अंकुश लगता, डर होता, भय होता लोगों को, कोई डर भय नहीं। फिर कर दिया घोटाला। अभी परीक्षा में जो है करीब 882 लोग करीब बैठे थे परीक्षा में, यहां पे सबके साथ यही हुआ था। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।